हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा मिथ लोगों के सामने आता है कि भैया अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जी हाँ MLM बिजनेस अगर आपने ज्वाइन कर लिया है फिर तो शोबाजी करनी पड़ेगी, है ना। बिना शोबाजी के तो आप एक रुपानी मतलब यहाँ पे प्रॉफिट में आ सकते या फिर कमा सकते, ऐसा लोग बहुत बोलते थे मेरे को। बट मैं देखता हूँ जो मेरे मेंटोर हैं ये बिना शो ऑफ के सारी चीज़ें करते हैं। तो बिना शो ऑफ के यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बिना शो ऑफ के यही MLM, बिना शो ऑफ के यही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कैसे कर पा रहे हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। ओवर टू यू सर। चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिना शो ऑफ के कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करें। सो देखिए, बेसिकली क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करें, ओके। और लोगों को लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें लोगों की डिज़ायर जगानी पड़ेगी, और डिज़ायर जगाने के लिए हमें कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स दिखानी पड़ेंगी कि देखो यार इतना बढ़िया बिज़नेस है, इतनी अच्छी गाड़ी मैंने ले ली तो देखो इसके अंदर कुछ तो होगा, है ना। इस बिज़नेस से अगर मैं गाड़ी ले सकता हूँ तो तुम भी ले ही सकते हो। इस बिज़नेस से जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग है, मैंने ये खरीद लिया जो भी है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि शो ऑफ करके, देखिए सबसे पहले तो एक तो हो गया कि प्रोस्पेक्ट के एंगल से सोचते तो प्रोस्पेक्ट के एंगल से आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप कोई भी रोस्टर की वीडियो देखोगे ना तो उसके पास घुमा फिरा के सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि देखो नेटवर्क मार्केटिंग वाले शो ऑफ करते हैं, कोट वोट पहन के घूमते हैं, BMW किराए की ले लेते हैं, उनके नंबर प्लेट चेक करो तो वो किसी और का ही होता है नंबर, है ना। तो फिर वो सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और फाइनली अल्टीमेटली फिर जाते हैं घर रिक्शे से ही जाते हैं। तो इस सब की वो काफ़ी सारी कॉमेडी वीडियो आप देखोगे। तो लिटरली आज के टाइम में जो प्रोस्पेक्ट के माइंड में जो चलता है ना, अगर ज़्यादा कोई शो ऑफ कर रहा है तो अपने आप इसको एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग करके शो ऑफ कर रहे हो, एक होता है शो ऑफ कर रहे हो तो प्रॉस्पेक्ट को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना। तो क्या हो रहा है कि आज के टाइम में अगर आप शो ऑफ कर रहे हो तो प्रॉस्पेक्ट का डिफॉल्ट डाउट जाग जाता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है तो नमस्ते। एक तो ये, दूसरी चीज़ कि एज अ नेटवर्क मार्केटर, एक तो होकर प्रॉस्पेक्ट के एंगल से देखना, एक होता है कि आप एक नेटवर्कर के एंगल से अगर हम देखें कि अगर आप शो ऑफ करके लोगों को लेके आ रहे हो अपनी टीम के अंदर, प्रॉब्लम क्या है कि आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उस शो ऑफ को, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जब आप कंटिन्यू करते रहते हो शो ऑफ को तो आपको पता है कि आप और ज़्यादा डेट में चले जाते हो, और ज़्यादा शो ऑफ के जंजाल में फंसते चले जाते हो, ओके। सो अल्टीमेटली देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बाकी सारे बिजनेसेस हैं आज के टाइम में, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, आई थिंक हमारा फोकस ही आ रहा है कैमरा का, है ना, ठीक आ रहा है, ओके थैंक यू। तो नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी बिजनेस है, आज के टाइम में लोग ऑनलाइन इतना कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, इतने सारे लोगों को देख चुके हैं, इतने सारे आज के टाइम में कंटेंट में आप क्या बोल रहे हो उसका इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस कंटेंट के थ्रू आपकी पर्सनालिटी क्या झलक रही है, कॉन्टेक्स्ट, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। सो आज के टाइम में जो हमारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं ना, दे आर मच मोर एजुकेटेड देन 5 years ago। 5 साल पहले हमारे प्रॉस्पेक्ट इतने एजुकेटेड नहीं थे, और आज के टाइम में कॉलेज का स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि एक ऐसा बिज़नेस बिल्ड करें जो कि स्टेबल हो, ओके, आगे कंटिन्यू करें, फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो कोई शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा है और लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, और उस केस में एक प्रोफेशनल बिज़नेस की झलक नहीं आती है जितना आप इतना शो ऑफ करोगे। तो शो ऑफ मतलब एक प्रॉस्पेक्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, एक नेटवर्कर के लिए भी अच्छा नहीं है, इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि अब कोरोना के बाद जितना हम ऑनलाइन इसको लेके जा रहे हैं, बिज़नेस को प्रोफेशनली कर रहे हैं, फनल्स क्रिएट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनली मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अब नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्ट होकर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन गया। और आप किसी भी डिजिटल मार्केटर को देखोगे तो वो बस जीन्स टी शर्ट पहन के ही बस वो वीडियो बना रहा है और कितने रुपये भी कमा रहा है, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को कंबाइन करके डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब शो ऑफ का ज़माना तो नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, शो ऑफ का मतलब क्या है कि रुपए का शो ऑफ, पर दूसरा होता है कि आप अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप स्किल्स को भी शो कर रहे हो और अच्छी तरीके से सही लोगों तक पहुँच रहे हो और अच्छी क्वालिटी के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप शो ऑफ करना ही है। तो वैल्यू दो लोगों को, यूट्यूब के थ्रू हम लोग इतने सारे लोगों को पहुंच रहे हैं, इतने सारे लोगों तक रीच कर पा रहे हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर हम देखते हैं कि पाकिस्तान नेपाल से लोग देख रहे हैं, कुछ हमारे चैनल्स हैं हमारी टीम के जो इंग्लिश में हैं, तो वो चैनल इवन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं। तो इवन आज का बनाया हुआ जो कॉन्टेंट है हमारा, तो अभी हमारा कॉन्टेंट आज के दिन हम बना रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टेंट हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाला है, है ना। तो ये यही है कि हम डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये डिजिटल एसेट्स लोगों को अच्छे लगते हैं, और यही डिजिटल एसेट्स लोगों की भी यही डिज़ायर है कि वो भी यूट्यूबर बने, है ना, यूट्यूबर बन के फिर नेटवर्क मार्केटिंग करें। सो ये सब चीज़ें हैं कि शो ऑफ इसलिए करना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं शो ऑफ करता नहीं। और मैं भी आपको ये भी आपको भी एडवाइस करा मैंने, और सभी लोगों को एडवाइस करूँगा कि शो ऑफ करना कोई
अगर आप शो ऑफ करोगे तो ये बात तो पक्का है कि रोस्टर की वीडियो में आप आ जाओगे। चलिए थैंक यू एंड जस्ट चेकआउट ऑल दी लिंक्स वीडियो के नीचे, जो भी लिंक्स हैं अगर आप भी इस माइंडसेट से रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे जो भी लिंक्स हैं उसको जरूर ओपन करके देखिएगा। थैंक यू।